जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली मैं बना रहा हूँ आपके ट्रेनिंग के ऊपर, ट्रेनिंग में कई लोगों को ऐसा सवाल रहता है कि सर ट्रेनिंग में अगर टेस्टों में फेल हो गए, रनिंग में फेल हो गए, बीम लगाने में फेल हो गए, सीटअप में फेल हो गए, ड्रिल में फेल हो गए, या वेपन ड्रिल में फेल हो गए, या किसी भी रनिंग टेस्टों में अगर फेल हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, या उनको घर भेज देते हैं या पिछले बैच में ट्रेनिंग कराते हैं, कैसे उनको बाहर निकालते हैं। दूसरे बैचों में कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो डेढ़ डेढ़ दो दो साल भी ट्रेनिंग करते हैं, तो वो दो साल ट्रेनिंग करने वाले लड़के कौन होते हैं, डेढ़ साल ट्रेनिंग करने वाले लड़के कौन होते हैं, उनको दो साल की ट्रेनिंग क्यों कराते हैं, उनको डेढ़ साल की ट्रेनिंग क्यों कराते हैं, इस प्रकार की आपने ज़रूर सुनी होगी बातें। हाँ, कुछ बातें इनमें से नहीं सुनी होगी कि कुछ दो साल भी ट्रेनिंग करते हैं, कुछ डेढ़ साल भी ट्रेनिंग करते हैं, कुछ दो साल से भी ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, और वो क्यों करते हैं उसका रीज़न आज हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों। साथ ही जो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मैथ एकेडमी, जितने भी मेरे चाहने वाले हैं वो एक बार उसका ज़रूर विजिट करके आएँ, देख के आएँ। मेरा जो दूसरा चैनल है जिसपे वीडियो में डालना शुरू कर दिया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है, जिसमें मैं तो रीजनिंग की क्लास में कंटिन्यू चला रहा हूँ दोस्तों, तो आप एक बार ज़रूर देख के आएँ। अब बात करते हैं कि ट्रेनिंग दो दो साल तक क्यों चलती है कईयों की, कईयों की दो साल से भी ज़्यादा ट्रेनिंग क्यों चलती है। कई कैसे भी होते हैं जो ज्वाइनिंग करने के बाद में तीन साल तक बाद में उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट होकर फिर उनकी सर्विस स्टार्ट होती है। इसके नुकसान क्या है, इसके नुकसान ये फ़ायदे तो है नहीं, तो इसके नुकसान क्या क्या होते हैं, वो ट्रेनिंग में जो फिट नहीं रहता उसके नुकसान क्या होता है, कैसे आपको ट्रेनिंग में फिट रहना, इस पूरे वीडियो में मैं आपको इतनी जानकारी दूंगा, ये पूरा जानकारियों से भरा वीडियो। अगर आप किसी भी फोर्स की ट्रेनिंग करने जाने वाले हैं, चाहे आप मेडिकल स्टाफ से, ट्रेडमैन से, या किसी से भी स्टाफ से हो, आप किसी भी फोर्स के मेंबर होने वाले हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। इस वीडियो में सबसे खास खास बात मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात, कुछ लोगों की ट्रेनिंग तीन साल तक कंप्लीट नहीं होती, या ढाई साल तक कंप्लीट नहीं होती, या दो साल तक कंप्लीट नहीं होती, उसका रीज़न क्या है। ये मैं ये बोल रहा हूँ कि कंप्लीट नहीं होती, ये नहीं बोल रहा कि दो साल ट्रेनिंग करता, वो बाद में बात आएगी कि दो साल ट्रेनिंग कैसे करता। पहली बात ये कि तीन साल लग जाते हैं सर्विस में आने के लिए। अब इसका नुकसान तो सबसे बड़ा आप सभी को पता ही है कि इसका नुकसान, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ये है कि आप भी कोई भी डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देते हो, उसके लिए सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात उसके लिए है कि जैसे ही आप सर्विस बटालियन में जाते हो, उसके बाद में आपकी तीन साल सर्विस होने के बाद, अब अगर मान लीजिए आप 23 साल की भर्ती हो रहे हो, 23 साल की एज में आप SSGD को ज्वाइन कर रहे हो, उसके बाद में आप 3 साल तक अगर आप ट्रेनिंग नहीं किए, या 3 साल आपको सिर्फ ट्रेनिंग में लग गए, तो 23 और 3 26, और फिर आपकी 3 साल कंप्लीट होगी सर्विस, टोटल 4 साल के आसपास लग जाता है, तो 4 साल वो और काउंट कर लीजिए, 26 और 4 30 32 साल लास्ट डेट है, तो आप कौन सा डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम, जरूर थोड़ी ना हर साल डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम आए नहीं, 2 साल 3 साल में आते हैं, अगर नहीं आया तो फिर आपको एक भी मौका नहीं मिलेगा। अब इनको कैसे होता, होता क्या है कि ग्रुप सेंटर में जाते हैं, उस समय ध्यान नहीं रखते, कुछ भी चोट चाट लगा लेते हैं, तो फिर उनको ट्रेनिंग सेंटर नहीं भेजा जाता, ग्रुप सेंटर में ही रोक लिया जाता है। फिर अगला जब बैच आएगा 12 महीने बाद 6 महीने बाद, उसमें उसकी ट्रेनिंग कराई जाती है, तो उस समय वो उस बैच में जाते हैं, अगर उस समय भी वो कुछ भी अगर प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो नहीं जा पाएंगे, या मेडिकली वजह से अगर वो नहीं जा पाएंगे तो 2 साल वो ग्रुप सेंटर में रह जाएंगे, उसके बाद फिर उठ जाके ट्रेनिंग करेंगे, तो उनको 3 साल लग जाती है। अब 2 साल ट्रेनिंग कौन करता है, 2 साल से ज़्यादा, या 1.5 साल ट्रेनिंग कौन करता है। होता क्या कि आपके ट्रेनिंग में मैंने बताया कि हर जैसे पहला टेस्ट 3 महीने में, दूसरा 6 महीने में, जब आप मिड टर्म छुट्टी जाओगे तब, फिर उसके बाद में 9th मंथ में, फिर लास्ट में फाइनल वीक में। होता क्या कि कुछ लड़के फेल हो जाते हैं 3rd वीक में, जो 3 महीने के बाद में जो टेस्ट होता है, जो मेन टेस्ट होता है, जो डेली रूटीन में जो टेस्ट चलते नहीं, 12 वीक के बाद में मेन टेस्ट होता है ड्रिल का और फिजिकल का। अब जो इनमें फेल हो जाते हैं तो उनको क्या दिया जाता है, एक मौका दिया जाता है, ये टेस्ट लेने के लिए बाहर का बोर्ड आता है, जो आपका ट्रेनिंग सेंटर का बोर्ड रहता है वो नहीं आता, दूसरे बाहर का बोर्ड आता है, वो आपका टेस्ट लेता है, आपका ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर वो लोग नहीं लेते हैं, बाहर का बोर्ड आता है वो आपका टेस्ट लेता है। होता क्या है कि जब आपसे टेस्ट लेते हैं, उस समय अगर मान लो आप ड्रिल में या किसी भी चीज़ में फेल हो गए, तो डिपेंड करता है जो बोर्ड आया वो आपको कितने मौके दे, अगर आपको एक मौका दिया कि आपको 7 दिन का टाइम दिया जाता है, वापस से एक बार इनसे करवाइए, तो फिर आपको 7 दिन उस्ताद ऊपर तैयारी करवाता है, फिर आपसे फिर वापस ड्रिल करवाते हैं। कईयों से क्या होता है कि बीम लगती नहीं है एक भी, तो रनिंग तो हो जाती है, रनिंग तो इतनी हार्ड नहीं मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि रनिंग आप डेली रूटीन में करते। कुछ लोगों को ऐसे, मतलब मेरे साथ में एक लड़का था, उसके हैंड ब्लॉक थे, उससे लगती नहीं थी बीम, तो होता क्या था कि अगर इस प्रकार की कोई समस्या से है, या रस्सा नहीं कर पाता है, हाथों में जान बहुत कम है, तो होता क्या कि वो थोड़ा सा कमज़ोर होने के कारण उसके शरीर में उतनी ताकत बन नहीं पाती कि वो टेस्ट पास करें।
तो वो टेस्ट में अगर मान लो फेल हो गया, उसको 7 दिन का टाइम दिया, फिर फेल हो गया, फिर उसको 3 दिन का टाइम दिया और फिर तीसरी बार भी फेल हो गया, तो फिर होता क्या है कि 3 महीने इधर ट्रेनिंग कर लिया, फिर उसको वापस वहाँ से दूसरे ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाता है जहाँ पर स्टार्टिंग से ट्रेनिंग हो। यानी वो जो 3 महीने की उसकी ट्रेनिंग है वो नील कर दी जाती है, वापस उसकी 0 वीक से ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, दूसरे ट्रेनिंग सेंटरों में उनको शिफ्ट कर दिया जाता है दोस्तों। तो जहाँ पर 0 वीक से ट्रेनिंग चल रही होती है उनके साथ में हो जाते हैं, 0 वीक से या 2 वीक से या 3 वीक से जहाँ ट्रेनिंग चल रही है उनको वहाँ से 5, 10, 15, 20 जो भी आपके वो फेलियर होते हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, फिर वो वहाँ पर उस बेच के साथ ट्रेनिंग करते हैं, फिर वहाँ पर भी अगर वो पास होते हैं या नहीं होते, अगर नहीं होते तो फिर उनको वापस मतलब 4-5 वीक ब्रेक ला के फिर वापस स्टार्ट की जाती है उनकी ट्रेनिंग, मतलब 1 महीना 2 महीना ब्रेक लाते। तो इस प्रोसेस में होता क्या है कि वो 4 महीने 5 महीने लेट हो जाते हैं। अब 6 साल जो 2 साल ट्रेनिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, 2 साल ऐसी ट्रेनिंग होती है कि मान लो 12 वीक वाली में तो पास हो गया, जब 22 वीक का टेस्ट होता है आपके मिड टर्म से पहले तो वो काफ़ी टिपिकल टेस्ट होता है और वो मेन टेस्ट भी माना जाता है। मेन टेस्ट इसलिए कि उसमें सभी प्रकार का टेस्ट होता है, फायरिंग का, रनिंग का, फिजिकल का और एग्ज़ाम, रिटर्न एग्ज़ाम भी, यानी सभी प्रकार का जो एग्ज़ामों का जो टेस्ट होता है वो उसमें टेस्ट होता है। अब अगर उसमें फेल हो गया किसी भी टेस्ट में तो फिर उसमें आपको केवल एक मौका मिलता है 7 दिन का या 6 दिन का या 5 दिन का, वो डिपेंड करता है जी आपका बोर्ड जो आया जहाँ से, जहाँ पर जो बोर्ड डिपार्टमेंट आया है वो कितना दिन का आपको टाइम देता है। तो मैक्सिमम आप मान लीजिए 7 दिन का देता है, तो होगा क्या कि अगर आप 7 दिन का टाइम दिया और आप फिर फेल हो गए उसमें, तो फिर आपको मान लो एक मौका और देर आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको वो 6 महीने की ट्रेनिंग से उठा के वापस 0 वीक से 12 वीक से शुरू कर सकते हैं, आपकी 13वें वीक से भी डाल सकते हैं ट्रेनिंग और 0 वीक से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी आपकी ट्रेनिंग वापस शुरू से शुरू करवा सकते हैं, नहीं तो बीच में मतलब 3 वीक जहाँ पर 10वां 11वां 12वां 13वां वीक चल रहा है वहाँ पे भी आपकी ट्रेनिंग है, सिर्फ जो दूसरे ट्रेनिंग सेंटरों में जहाँ पे पीछे से ट्रेनिंग स्टार्ट होती है उस ट्रेनिंग सेंटर में आपको भेज देते हैं। अब अगर मान लो वहाँ पे 4वें वीक में ट्रेनिंग चल रही है तो आप 22वीक ट्रेनिंग किए हुए वापस 4वें वीक में ट्रेनिंग में चले जाओगे और 4वें वीक से फिर वापस आप 22 ट्रेनिंग पर आओगे, फिर आप देख लीजिए इतना प्रोसेस होता है। तो ये हुआ है हमारे साथ भी, 400 लड़कों में से कम 20 लड़कों के साथ ऐसा हुआ है जो ट्रेनिंग हमसे 6 महीने या 7 महीने बाद या 8 महीने बाद में ट्रेनिंग करके हमारे साथ में ड्यूटी करने आए दोस्तों। तो इस प्रकार ये होती है ट्रेनिंग लेट। अब इनका नुकसान क्या होता है, नुकसान वही होता है ना, अब जैसे मेरा मैं ट्रेनिंग कर लिया झट से मैं इधर आ गया और मेरी 3-4 साल की सर्विस कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट होते ही मैं डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाऊँगा, तो हो गया ना, अब वो मेरे से 1 साल बाद में एलिजिबल होगा डिपार्टमेंटली एग्ज़ाम देने के लिए। अब ट्रेनिंग में जो अब मेन बात पे आते हैं कि ट्रेनिंग में अगर मान लो आप टेस्टों में फेल हो गए तो क्या होता है, ये कईयों का क्वेश्चन रहता है, कितनी पिटाई होती है ये भी रहता है कि ट्रेनिंग में अगर फेल हो गए, रनिंग टेस्ट में फेल हो गए, फिजिकल में फेल हो गए, एग्ज़ाम में फेल हो गए, रिटर्न में फेल हो गए तो क्या होता है। पहली बात तो ये कि रिटर्न में फेल नहीं होते हैं। फेल क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि रिटर्न में वही चीज़ें आती है जो दिन भर आप रूटीन में करते हो। तो रिटर्न में मुझे याद है कि हमारे साथ वाले एक भी लड़का फेल नहीं हुआ था। क्यों फेल नहीं हुआ था, क्योंकि पूरे दिन जो आप करते हो वही आपका रिटर्न एग्जाम में आता है कि भाई ये कैसे करते हैं, वो वेपन कैसे करते हैं, वो वेपन, तो ये तो पूरे दिन आप करते हो, 24 घंटे में से 12 घंटे आपकी ये प्रक्रिया रहती है, वो चीज़ें आपके जहन में आ जाती है, तो उसमें फेल नहीं होता, उसमें कोई करंट जीके या जी ये तो आता नहीं है, आपके डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आते हैं जो आपको पढ़ाया जाता है पूरे दिन, तो रिटर्न में तो कोई फेल होता नहीं दोस्तों। अब बात करते हैं रिटर्न फेल नहीं होता, होता है सबसे ज़्यादा किस में फेल, पहली बात तो सबसे ज़्यादा फेल किस में होते हैं, सबसे ज़्यादा फेल होते हैं फिजिकल में, फिजिकल में भी रनिंग में बहुत कम फेल होते हैं, ये मैं बता दूँ जिनको रनिंग कमज़ोर है उनको बता दूँ रनिंग में बहुत कम फेल होते हैं, क्योंकि रनिंग का जो टाइम है वो आपका धीरे धीरे अपने आप इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता और कब आपका टाइम इंक्रीज हो जाता है, प्लस आपके उस्ताद और जो PTA रहते हैं वो इतने मोटिवेट करके आपको दौड़ा दौड़ा के कैसे भी करके पास करा देते हैं, क्योंकि वो आपके साथ दौड़ते हैं तो आपको मोटिवेट कर देते हैं, 2-2, 3-3 किलोमीटर वो आपके साथ दौड़ते हैं स्पीड से, तो टेस्ट में वो आपको इतने मोटिवेट कर देते हैं कि आपसे कैसे भी करके टेस्ट पास करवा देते हैं, मतलब फुल मोटिवेशन कर देते हैं। जो फिजिकल जो एक्सरसाइज होती हैं उनमें हो जाते हैं फेल, जैसे 10 बीम है, सिटअप है, रस्सा है, रस्से पे चलना है, तो इस प्रकार के जो होते हैं, या टो टच है, कहीं से टो टच नहीं होते, जो इन प्रकार के जो टेस्ट होते हैं इनमें हो जाते हैं फेल। अब फेल होने के बाद में क्या होता है, या ड्रिल में फेल हो जाते हैं तो उनका क्या होता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया था कि होता क्या है कि उनको फिर से एक मौका दिया जाता है, तो तब तक फिर उनको क्या होता है, जैसे मान लो आप टोटच में फेल हुए तो फिर अगले 7 दिन आपसे सिर्फ पूरे दिन वही प्रैक्टिस की जाती है कैसे भी करके आपको टोटच पास करानी है,
फिर आप पूरे दिन वही वो कराते हैं ताकि आपकी कैसे भी करके टोटल से लग जाए। अगर आप बीम में हो तो पूरे दिन आपको रस्से पे लटका के बीम मरवाने की कोशिश करते रहते हैं उस्ताद लोग, ताकि आपकी बीमें कंप्लीट हो जाए। तो फिर आपको एक मौका और दिया जाता है, अगर आप उसमें फेल होते हो फिर एक मौका और दिया जाता है। वो डिपेंड करता है जो बोर्ड आता है, जरूर नहीं आपको दो मौके दे, तीन मौके दे, चार मौके, वो डिपेंड करता है उन पर। तो दोस्तों इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता कि आपको मतलब मार देंगे, घर भेज देंगे, घर वर कहीं नहीं भेजेंगे। बस इतना सा हो सकता है कि आपको जैसे अगर उसमें फेल हो गए तो दोबारा मौका दिया जा सकता है। जो नॉर्मल जो टेस्ट चलते हैं उनमें फेल होने पर कुछ नहीं, उनमें फेल होने पर फिर एक्स्ट्रा होता है। जैसे आप 10 किलोमीटर फेल हो गए तो फिर आपको शाम को वापस 10 किलोमीटर दौड़ा देंगे। अगर आप 5 किलोमीटर फेल हो गए तो फिर शाम को वापस आपको 5 किलोमीटर दौड़ा देंगे। अगर आप 3 किलोमीटर फेल हो गए तो वापस 3 किलोमीटर आपकी रनिंग करवा देंगे दोबारा शाम को, तो वो एक्स्ट्रा चलता रहता है। तो ये होता है नॉर्मल डेज में। जो मेन टेस्ट होता है उसमें फेल होने से आपको जैसे 7 दिन का 6 दिन का टाइम देते हैं और फिर उसमें पास होना रहता है। तो मैं बता दूँ दोस्तों, इसमें 99% लड़के पास हो जाते हैं। जो फेल भी हो जाते हैं उनको जब 7 दिन का टाइम मिल जाता है या 10 दिन का टाइम मिल जाता है तो वो पास हो जाते हैं। अब कईयों को प्रॉब्लम हो जाती है, वो मेडिकली अनफिट हो जाते हैं। कैसे है? मतलब ट्रेनिंग करते करते कईयों के पैर में चोट आ गई बहुत घनी, अब वो तो नहीं रनिंग कर पाएगा ना, तो उसको तो फिर फेल होता है वो। लेकिन अगर जिनका शरीर स्वस्थ रहता है ट्रेनिंग में, वो बिल्कुल फिट रहते हैं। कईयों ने मेरे को एक दो कमेंट याद आ रहे हैं, उन्होंने ऐसा पूछा कि सर ट्रेनिंग में जो सबसे हार्ड एक्सरसाइज होती है वो कौन सी होती है, और सबसे ज़्यादा खतरा किस एक्सरसाइज में, और घोड़ा क्या होता है। तो घोड़ा तो आजकल बंद हो गया, जो घोड़ा आपने देखा होगा यूट्यूब पर, वो इस प्रकार का एक बनाया हुआ रहता है तख्ता का, उसके ऊपर हाथ रखें और सीधा जंप करना होता है, सीधा इसे पकड़ के और आगे एक बंदा पकड़ेगा आपको। तो वो तो आजकल बंद हो गया क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा चोटें लगती थी और पैरों पे लगने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता था, तो इसलिए वो ट्रेनिंग में अब घोड़ा बंद हो गया दोस्तों आपका। अब ट्रेनिंग में सबसे जो हार्ड रहते हैं वो रहते हैं BOC, जिसका वीडियो मैंने बनाया था, पहला वीडियो जो मेरा आप देख लेना, जिसमें मैंने BOC करके दिखाई थी कि ट्रेनिंग में सबसे हार्ड ट्रेनिंग के नाम से जो मैंने वो वीडियो बनाया था, उसको आप ज़रूर जाके देखिए एक बार। मेरे चैनल पर जाइए, ऊपर के 2 या 3 वीडियो, दूसरा वीडियो वही है जिसमें 55,000 के समथिंग व्यू हुआ, 55-56,000 के आसपास, तो उसको जाके आप देखिए। ट्रेनिंग में सबसे हार्ड वही होता है, उससे हार्ड कुछ नहीं होता। उसमें हार्ड कैसे, वो कर पाना हार्ड नहीं है, कर पाना ईजी है, लेकिन हार्ड कैसे, हार्ड इसलिए है क्योंकि उसमें लगने के खतरा है। और ट्रेनिंग में आप ध्यान के दीजिए, जब तक आपके चोट ना लगी तब तक आपको कोई खतरा नहीं है, आप हर एक एग्ज़ाम कुछ भी पास कर लोगे। चोट लगी एक बार ट्रेनिंग में, ठीक होना बहुत मुश्किल, क्योंकि रेस्ट आपको इतना मिलेगा नहीं, तो फिर वो ठीक कर पाना बहुत ही मुश्किल सा हो जाता है दोस्तों। इसलिए मैं ट्रेनिंग में पहले भी टिप्स वाला जो वीडियो बनाया, ट्रेनिंग टिप्स, उसको जाके आप ज़रूर देखें, जिसमें लिखा हुआ ट्रेनिंग टिप्स ऊपर, वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें मैंने बता रखा कि आप ट्रेनिंग को किस प्रकार करनी चाहिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।